हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह की बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ब्लर आ रही है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपना वीडियो शूट करें, वो भी कैसे शूट कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से, मैं एकदम बिजी में मैं समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगी और इस तरीके से आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो। ये सेम आप लोगों को देखने में लग रहा है कि DSLR से शूट है, लेकिन DSLR से नहीं है, फ़ोन से शूट रहे। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से। कि आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, वीडियो एडिटर की। तो दोस्तों, कैसे करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप लोगों को शूट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस तरीके से वीडियो शूट करने के लिए आप लोगों को पोर्ट्रेट आप लोगों को करना क्या होगा, ध्यान में रखिए, पोर्ट्रेट मोड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको पोर्ट्रेट मोड आपके फ़ोन में होना जरूरी है। आप लोग आजकल जितने भी फ़ोन होते हैं सब में पोर्ट्रेट मोड होता है। उससे क्या होता है कि आप कोई सा भी फोटोज लेते हो, आप लोगों के फोटोज में ब्लर आती है। उस तरीके से आप लोगों को कैमरा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फ़ोन में एक स्क्रीन रिकॉर्डर होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। और आजकल के सभी फ़ोनों में स्क्रीन रिकॉर्डर ज़्यादातर रहते हैं। मिनिमम अगर आपको फ़ोन ज़्यादा पुराना है तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को करना क्या होगा, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, होता है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद क्या क्या करना है मैं सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। और आप लोग को एक एप्लीकेशन चाहिए, वीडियो एडिटर। तो वीडियो एडिटर में मैं जैसे कि फिलहाल मैं KineMaster यूज़ करता हूँ, तो KineMaster चाहे तो पावर डायरेक्टर के भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद होता है कि कैसे शूट करें आखिरकार, तो चलिए जानते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन से ही, पीछे के कैमरा से। चलिए जानते हैं कि कैसे शूट किया जाता है। तो ये है मेरा फ़ोन और इसी में मैं वीडियो शूट करता हूँ ये फ़ोन से ही, और बैकग्राउंड जो है ब्लर आती है। तो आप लोगों को कैसे करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो कहा कि आपके फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड होना ज़रूरी है, स्क्रीन रिकॉर्डर एक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपना कैमरा को ओपन कर लेना, जैसे कि मेरा यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आ चुका है मेरे यहाँ फ़ोन में। आने के बाद आप यहाँ पर अपना फिल्टर ब्यूटी अपना जो ऑप्शन है आप उसे यूज़ कर लेना। एंड यूज़ करने के बाद फ़ोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किए हो उस स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको करना ओपन कर लेना है। चाहे तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी आजकल के फ़ोन में सभी फ़ोन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और देखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जिसे भी वीडियो शूट करना है उसे अपने कैमरा की ओर जाने को बोलिएगा। जैसे कि फ़िलहाल मैं अपने एक दोस्त को बोलता हूँ कि वो कैमरा के सामने जाए। और दोस्तों कैमरा के सामने आने के बोलिएगा। उसके बाद आपको जिस हिसाब से आपका क्वालिटी देता है पीछे के कैमरा से या आगे के कैमरा से, तो उस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आपको फ़ोन में इसके बाद जैसे कि आप लोग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए आप वीडियोस को ऑन करते हो, उस तरीके से यहाँ पर अपना फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर जो रहेगा उस स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप चाहे तो इसमें माइक का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डर का माइक रहेगा उसी से होगा। और करने के बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर करना क्या होगा, इसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद वीडियोस को आप लोग जो भी बोलना है शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपका होता है उसे आपको ऑफ कर देना, जैसे फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर लेना है। एंड इसके बाद जो मेन पार्ट आते हैं हम लोग कि वीडियोस को एडिट कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको KineMaster, PowerEditor, कोई सा भी एप्लीकेशन आपको वीडियो एडिटर में ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही आप लोग करते हो अपना प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। एंड अपना साइज सेलेक्ट कर लेना जो यूट्यूब का साइज है। इसके बाद जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डर करके रखा है उस वीडियोस को सेलेक्ट करना है। सिर्फ फिलहाल मैं इस वीडियोस को ले लेता हूँ, मान के चलिए। देखिए सेम इस तरीके से शूट हुआ है। शूट होने के बाद आपको यहाँ पर उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक रोटेट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रोटेट के ऑप्शन पर आपको कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है जो आपका अच्छा रहेगा। देख सकते हैं रोटेट हो चुका है, यूट्यूब के साइज की तरह हो चुका है। एंड इसके बाद आपके फ़ोन में अगर पावर डायरेक्टर इस्तेमाल करते हो आपका जूम का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देन इस पे क्लिक करना होगा KineMaster अगर आप लोग यूज़ करते हो। उसके बाद आप लोग इस वीडियोस को कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत जूम कर देना, जैसे कि फिलहाल मैं देख सकते हो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से जैसे कि एडजस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट करना, जैसे कि फिलहाल मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। एंड आप लोग भी एडजस्ट कर लेना है, वीडियो को आप लोग देख सकते हो। किसी एप्लीकेशन की आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, वीडियो एडिटर की। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्वालिटी के बाद यहाँ से आप लोग इसका कुछ आप लोग फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो, जिसका कुछ इस तरीके से। और अगर और इससे भी आप लोग को बेटर एप्लीकेशन चाहिए तो BSCO आप लोग एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पर, उस एप्लीकेशन को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एडजस्ट में आप लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो पर कुछ इस तरीके से। और आप जितना चाहो उतना अच्छा से एडजस्ट करके एडिट कर सकते हो, चाहे तो PicsArt से भी। और आपकी वीडियो DSLR जैसी लगी तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।